तो सुदामा जी बोले, अरे भैया तुझसे कितनी बार पहले बोल दिया था मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब तूने कहा बैठ जा और अब कहता है कुछ चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सुदामा जी के बगल में काक में जो चावल की पोटली थी भगवान ने उसको खींच लिया, बोले चल कुछ नहीं है तो रात को बाल बच्चों को जाके यही पका के खिला दूंगा। तो सुदामा जी रोने लगी, बोले अरे भैया अगर तू इस चावल को ले लेगा तो मुझे बहुत दूर वृंदापुरी वापस जाना पड़ेगा। तो भगवान ने चावल वापस लौटा दिए और भगवान चले गए। अब पीछे से श्री सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया, लेकिन भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया। सुदामा जी ने आंखें खोली, देखा अरे भाई कितने बड़े बड़े महल हैं, इतने बड़े बड़े महल खड़े हुए। तो सुदामा जी ने सोचा अरे मैं तो एक वृक्ष के नीचे सोया था, ये इतने बड़े बड़े महल कहां से आ गए। तो फिर सुदामा जी ने सोचा कि शायद बुड्ढा हो गया हूं, मेरी तो बुद्धि सटी आ गई है, यही सोया होगा, याद नहीं है, कुछ दिन से खाया पिया नहीं है इसलिए याददाश्त खत्म हो गई है। तो उठे और उठ के चलने लगे, सबसे पूछते जा रहे हैं अरे भैया इस नगरी का नाम क्या है, कौन सी नगरी है। तो एक आदमी कहता है अरे भैया ये द्वारिकापुरी छे। तो सुदामा जी बोले क्या द्वारिकापुरी छे, मैंने तो सुना था कि भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान छह द्वारिकाओं में से कौन सी द्वारिका में रहते हैं, मुझे तो किसी ने बताया था कि कान्हा की एक द्वारिका है। तो पूछते जा रहे हैं भैया ये द्वारिका है तो मेरे कान्हा का महल कहाँ है, कान्हा कहाँ रहता है, कान्हा कहाँ है। पूछते पूछते माँ रुक्मणी जी के महल पर पहुंच गए और जाकर के कह रहे हैं सुदामा जी आ रहे हैं, सभी भाव से सुदामा जी का स्वागत करेंगे। श्री सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कोई भी श्रोता अपने स्थान पे खड़ा नहीं होगा, विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालोस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालोस कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, कि मिलने सुदामा गरीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, कि मिलने सुदामा गरीबा गया है।